व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत आज हम सैद्धांतिक वितरण में समानताएं सिमिलरिटीज इन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करेंगे। सैद्धांतिक वितरण खंडित व अखंडित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। द्विपद वितरण, पॉइसन वितरण व सामान्य वितरण में भिन्नता होने के उपरांत भी कुछ समानताएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार है। नंबर एक, उपरोक्त तीनों वितरण केवल ऐसी स्थिति में ही प्रयोग में लाए जाते हैं जहां परीक्षण इस प्रकार से किए जाएं कि उसके केवल दो ही परिणाम निकलें, सफलता व असफलता। घटनाएं पारस्परिक अपवर्जी हों तथा केवल उनके परिणाम सफलता व असफलता के रूप में ही हों। दूसरा, सफलता को पी तथा असफलता को क्यू मानते हैं और पी प्लस क्यू का योग सदैव एक होता है, अतः P इज इक्वल टू 1-Q व Q इज इक्वल टू 1-P सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हम प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ चुके हैं। तीसरा, न्यायदर्शक का आकार यानी सैंपल साइज निश्चित होना चाहिए। ये तीनों इनमें समानताएं हैं। अब इनको अलग अलग हम इनका अध्ययन करेंगे। द्विपद वितरण, द्विपद वितरण का प्रतिपादन स्विस गणितज्ञ श्री जेम्स बर्नौली ने किया, अतः इन्हीं के नाम पर इसे बर्नौली वितरण अथवा बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरम भी कहते हैं। इस प्रमेय का प्रकाशन श्री बर्नौली की मृत्यु के 8 वर्ष पश्चात सन 1713 में हुआ। इस प्रमेय का प्रयोग केवल खंडित आवृत्ति वितरण यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर ही होता है। यह परमेय केवल ऐसी स्थिति में ही प्रयोग में लाया जाता है जहां परीक्षण को इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि उसमें केवल दो ही परिणाम निकले, सफलता व असफलता। द्विपद वितरण से अभिप्राय दो पदों में विभाजित होने वाला वितरण, एक वर्ग सफलता जिसमें कुछ निश्चित गुण विद्यमान होते हैं वह दूसरा वर्ग असफलता जिसमें उपरोक्त गुणों का अभाव हो। मान लें यदि ताश के पत्तों की गड्डी में रखे पत्तों को रंगों के आधार पर काले व लाल रंग के पत्तों में विभाजित करें यानी 26 काले और 26 लाल, या एक सिक्के को उछालने पर दो संभावनाएं हो सकती हैं जैसे चितियापट, अथवा एक पासे को उछालने पर दो रूप हो सकते हैं, सम संख्याएं या विषम संख्याएं। इस प्रमेय में घटना को सफलता पी से डिनोट करते हैं तथा घटना के न घटने की को असफलता कहेंगे और उसको क्यू से डिनोट करते हैं। संभावना या प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार सफलता व असफलता का योग सदैव एक ही होता है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। बर्नौली वितरण की मान्यताएं हैं कुछ जिसको दर्शाया गया है। इस वितरण को भली प्रकार से समझने के लिए इस प्रमेय को मान्यताओं को जानना आवश्यक है। नंबर एक, प्रत्येक प्रयोग में केवल दो पारस्परिक अपवर्जी घटनाएं हो सकती हैं। अपवर्जी घटनाओं हम पहले बता चुके हैं प्रोबेबिलिटी में। अपवर्जी घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जिसमें एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना के घटने की संभावना समाप्त हो जाए, जिनके परिणाम सफलता व असफलता के रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरा, सफलता की अभिव्यक्ति पी से व असफलता की अभिव्यक्ति क्यू से करते हैं, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, जो ऊपर बताया जा चुका है। सफलता व असफलता का योग सदैव एक हो। तीसरी मान्यता इसकी है, इस प्रमेय में न्यायदर्श संख्या सैंपल साइज निश्चित होती है, वह इसे एन के रूप में व्यक्त करते हैं। चौथा, घटना स्वतंत्र रूप से घटती है अर्थात पहले प्रयोग का प्रभाव दूसरे प्रयोग पर नहीं पड़ता। जैसे सिक्का उछाला है तो पहले उछाल का दूसरे उछाल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले चिताया है तो आगे चिताने की संभावना कम हो जाएगी, नहीं अगले उछाल में भी बराबर रहेंगे दोनों की संभावना। इसी तरह ताश की गड्डी में प्रथम पत्ता यदि वापस रख दिया जाए तो दूसरे पत्ते के निकालने में प्रथम पत्ते का दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले काला पत्ता निकला था इस बार काले पत्ते निकलने की संभावना कम हो जाएगी, लाल की ज्यादा रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पत्ते उतने बाउन हो गए हैं वापिस डालने के बाद।
तो इसलिए पहले घटना का दूसरी घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लास्ट है द्विपद वितरण के प्रयोग से एक निश्चित सफलता, जिसको निश्चित सफलता को हम आर से डिनोट करेंगे, बार होने की संभावना को भी जाना जा सकता है। उदाहरण अर्थ, 5 सिक्कों की जोड़ पर 2 ऐड आने की संभावना को भी जाना जा सकता है। द्विपद वितरण द्वारा संभावना, द्विपद वितरण द्वारा संभावना व्यक्त करने के लिए हम द्विपद विस्तार सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको क्यू प्लस पी की पावर एन, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, क्यू का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, एन साइज ऑफ सैंपल। अगर इस सूत्र का विस्तार करें तो फार्मूला आ जाए क्यू प्लस पी की पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो क्यू एन पी जीरो प्लस एन सी वन क्यू एन माइनस वन पी वन प्लस एन सी टू क्यू एन माइनस टू पी की पावर टू प्लस एन सी थ्री क्यू एन माइनस थ्री पी की पावर थ्री और इसी तरह से एन सी एन क्यू जीरो पी एन। यानी यहाँ पे क्यू की पावर एक कम होती जा रही है हर स्टेप में और पी की पावर बढ़ती जा रही है। जैसे पहले में पी जीरो था, उसके बाद पी वन था, उसके बाद पी टू पी थ्री और पी एन तक, इसी तरह से क्यू की पावर कम होती जा रही है। क्यू पहले में क्यू था के पावर एन थी, फिर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, एन माइनस थ्री और इसी तरह से लास्ट तक जाएंगे, क्यू जीरो तक पहुंच जाएगी। इसमें सी वन सी टू सी थ्री एटसेट्रा से प्राप्त मान, दो मान को द्विपद गुणांक कहते हैं। उपरोक्त सूत्र के विस्तार द्वारा आर सफलताओं को संभावना भी जान सकते हैं। उसका सूत्र होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इज इक्वल टू एन सी आर मल्टीप्लाई बाई क्यू एन माइनस आर मल्टीप्लाई पी आर। यदि 6 सिक्के उछाले जाएं तो 2 बार पटाने की प्रायिकता को व्यक्त करेंगे। इसको हम कैसे दिखाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड ये सक्सेस होगी हमारी, इज इक्वल टू टोटल सिक्के हो गए 6 और टोटल सिक्के उछाले 6 हो गया, 2 बार पटाने की संभावना 2, क्यू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई पी टू, ये फार्मूला आ गया 6 सी टू क्यू 4 पी टू। पी इज इक्वल टू सक्सेस, क्यू इज फेलियर। द्विपद विस्तार का विस्तार व्यवहारिक रूप से इस प्रकार किया जाएगा, क्यू प्लस पी की पावर 3 इज इक्वल टू क्यू थ्री प्लस थ्री सी वन क्यू थ्री माइनस वन पी वन प्लस थ्री सी टू क्यू थ्री माइनस टू पी टू प्लस थ्री सी थ्री क्यू थ्री माइनस थ्री और पी थ्री बराबर है क्यू थ्री प्लस थ्री क्यू टू पी वन प्लस थ्री क्यू वन पी टू प्लस पी थ्री। थैंक यू।